बंगाल के आसनसोल में बीजेपी कैंडिडेट पर हमला हुआ है। अग्निमित्रा पॉल के काफिले पर पथराव हुआ है। हमले में केंद्रीय बलों के जवान भी घायल हुए हैं। अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। उपचुनाव में वोटिंग के बाद लौट रही थी अग्निमित्रा, जिस वक्त ये हमला हुआ और उसी की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जानलेवा हमला हुआ है, बीजेपी कैंडिडेट पर ये हमला हुआ। अग्निमित्रा पॉल के काफिले पर पथराव किए गए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और यहाँ पर इस हमले में केंद्रीय बलों के जवान भी घायल हुए हैं। अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है। तो एक बार फिर से इसी तरीके की तस्वीर पश्चिम बंगाल से देखने को मिल रही है। बंगाल के आसनसोल में बीजेपी कैंडिडेट पर हमला हुआ है और ये पहली मर्तबा नहीं है जब बंगाल में किसी बीजेपी नेता पर हमला हुआ हो। बीजेपी कैंडिडेट पर ये हमला हुआ, अग्निमित्रा पॉल के काफिले पर ये पथराव हुआ है। तनुश्री ज्यादा जानकारी हमें देंगी। तनुश्री ज्यादा बताइए कि क्या हुआ था वहां पर। जी देखिए, अग्निमित्रा पॉल हर एक बूथ में जा रही है जहाँ से उनको खबर मिल रहा है कि उनकी जो एजेंट है उनको बैठने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग देखे हैं कि 3-4 बूथों में अग्निमित्रा पॉल ने ये कंप्लेन किया है कि बंगाल पुलिस खड़े हैं पर बीजेपी के एजेंटों को नहीं घुसने दे रहे, बैठने नहीं दे रहे। ये बाराबंकी के एक इलाके में अग्निमित्रा पॉल जब जा रही थी बूथ की तरफ, तभी बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल के कुछ लोग उनका कॉन्वॉय रोके, उनको रोके कि वो बूथ तक ना जाए। और क्योंकि अग्निमित्रा पॉल जो बीजेपी की कैंडिडेट है वो नहीं रुक रही थी, इसे उनके कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया गया है, पथराव किया गया है, लाठी भी चलाई गई है, उनके जो सिक्योरिटी के लोग थे उनके ऊपर भी पत्थर लाठी। ठीक है तनुश्री, बने रही है हमारे साथ। लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी की कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल खुद जुड़ चुकी है। अग्निमित्रा जी जरा बताइए कि हुआ क्या था वहां पर, कौन थे वो लोग जो पत्थर फेंक रहे थे आपके काफिले? देखिए, हम लोग इधर बाराबंकी असेंबली में आए हैं, इधर बूथ नंबर 175 कपिश्ता ग्राम, इसमें हम लोग आए हैं। बूथ के अंदर जाके पोलिंग एजेंट को घुसने नहीं दिया जा रहा है। सुबह से पोलिंग एजेंट बाहर खड़ा है, उसको घुसाए अंदर, उसको बैठा के जब बाहर आए तो देखे बहुत जन खड़े हुए थे। तो हम बोले आप लोग इधर खड़े क्यों है? बोले वोट देने जाना है। उसने वो आप कौन है, आप कौन बोलने वाला है? और मेरे साथ जो मेरा जो और एक जन है, मेरा लीडर है इधर बाराबंकी का, उनको देखकर भी चिल्लाने शुरू कर दिए। उसके बाद बाता बाती में वो लोग फिर अटैक करना शुरू कर दिया, मेरा गाड़ी तोड़फोड़ करने लगा और दूसरा गाड़ी भी तोड़फोड़ करने लगा, फिर बांस और पत्थर फेंकने लगा। मेरा सिक्योरिटी का भी लगा है, हमको मारने गया लेकिन हमको प्रोटेक्ट कर लिया है सिक्योरिटी ने, सिक्योरिटी को लगा है। तो अग्निमित्रा जी क्या लग रहा है आपको, कौन थे वो लोग जिसने आप पर अटैक किया, जिसने आप पर हमला किया? क्या आपको लग रहा है पूरे प्लानिंग के साथ ये हमला हुआ है आप पर? एब्सोल्युटली, क्योंकि ममता बनर्जी और टीएमसी को मालूम है कि ये सीट वो लोग नहीं जीतेगा। ये मोदी जी का सीट है, भारतीय जनता पार्टी का सीट है, ये कभी नहीं वो लोग जीतेगा। और हर तरह से वो लोग कोशिश कर रहे हमको बाधा देने का, बाधा सृष्टि करने का। पुलिस खड़ा है मोड़ पर जहाँ पर ये हो रहा है, ये झमेला हो रहा है, वहाँ पुलिस नहीं है। ओसी बराबनी दूर में मोड़ पर खड़े हैं पुलिस लोगों को लेकर, गाड़ी लेकर। तो ये प्लानिंग नहीं है तो और क्या है? उन लोगों को तो रहना चाहिए जो पुलिस स्टेशन है उसका 200 मीटर के बाहर, उन लोग को खड़ा रहना चाहिए। कोई भी एक भी पुलिस नहीं है, सब प्लानिंग करके मारने का कोशिश कर रहे हैं। आपको कोई चोट तो नहीं आई? ये चेष्टा कर रहे हैं कि भाजपा का कैंडिडेट को अटैक करे, उसको बैठा दिया जाए। वो आज हमको ऐसा कोशिश कर रहे कि हम घूमे ना, उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हम सारे जगह घूम रहे, सारे बूथ घूम रहे, उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से आप पर हमला हुआ है। तो आपने देखा बीजेपी के कैंडिडेट जो हमें बता रही थी अग्निमित्रा पॉल कि उन पर ये जानलेवा हमला हुआ है, जानबूझकर ये हमला किया है। और जिस वक्त ये हमला हुआ वहाँ पर पुलिस भी मौजूद नहीं थी, जहाँ पर पुलिस को होना चाहिए वहाँ पर पुलिस होती नहीं है। और ये देखिए बंगाल में किस तरीके से आए दिन बीजेपी के नेता कार्यकर्ता वहाँ के कैंडिडेट पर अटैक किए जा रहे हैं। और इस वक्त अग्निमित्रा पॉल टाइम्स ऑन और भारत से बातचीत करते हुए उन्होंने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। तो कुछ